हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए SOF इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के 2017-18 के सैंपल पेपर लेकर आई हूँ, क्लास फर्स्ट के। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें चलिए यहाँ पे दिया हुआ टोटल क्वेश्चन जो इसमें रहेंगे करीब 35 रहेंगे और टाइमिंग 1 आवर्स का रहेगा। कैंडिडेट के लिए जो है कुछ गाइडलाइंस भी रहती है, जिसमें हम बच्चों को HB पेंसिल, ब्लू और बॉल पेन ओनली फॉर एग्जाम्पल OMR सीट पे यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर OMR सीट कैसे भरना है ये बताया गया है। जैसे इस प्रकार पूरा गोला लगाना है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अगर यहाँ पर है तो इस तरह पूरा गोला लगाना, आधा आधा गोला नहीं लगाना है। ये SOF का ओलम्पियाड क्वेश्चन पेपर मैं देख रही हूँ। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन पेपर हमें स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन हो जाता है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज का सेक्शन हो जाता है, जिससे क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं चलिए देखिए। फॉर एग्जांपल्स के रूप में इसमें बताए भी रहते हैं बच्चों को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहते हैं। फॉर क्वेश्चन 1 to 4 चूज द करेक्ट वर्ड विथ डिस्क्राइब द पिक्चर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रखा है ये टेबल है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, टेबल को गोला किया गया है तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जा रहे हैं कि ये इमेज दिए गए हैं और इमेज को देखकर आपको बताने हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं। 1 किचन, B डाइनिंग रूम, C शॉप। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए किचन। देखिए यहाँ पे किचन इसलिए, देखिए गैस स्लैब दिख रहा है, चिमनी दिख रहा है, फ्रीज दिख रहा है, तो दिस इज ए किचन। नेक्स्ट नंबर 2, ये एरो क्या है, ए चिन, बी चिक, सी फोरहेड। चीन नीचे वाले को कहते हैं चिक, ये हमारा चिक यानी गाल है, चीन ये हो जाता है और फोरहेड ये हो जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी चिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नोटपैड ये इमेज दिया गया है, इस इमेज को देखकर बताना है कि ये किसका इमेज है, नोटपैड है, लैंग्वेज है या पैराग्राफ है, ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है नोटपैड, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4, ए फ्लास्क, बी ग्लास, सी लैडर। इस इमेज को पहचान के हमें बताना है कि ये क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्लास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 9 के लिए एग्जांपल बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 to 9, चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, मैंगो का कलर क्या होता है, व्हाइट, येल्लो या ब्लू, तो करेक्ट आंसर हो रहा है येल्लो। इसी प्रकार सेक्शन हमें आगे लेते हुए बनाना है 5 to 9 के क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ साइज, साइज हम किससे मापते हैं, बॉक्स से, मैट या लार्ज, किस साइज हम पूछ रहे हैं तो कौन सा साइज है, साइज के लिए आता है लार्ज, लार्ज या स्मॉल साइज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, विच इज द प्लेस फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए हम कहाँ जाते हैं, ए आफ्टरनून, बी सर्विस, सी मार्केट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच कैन यू डू फॉर एक्सरसाइज, इसमें से कौन सी चीज को आप एक्सरसाइज के रूप में यूज करते हैं, साइकिलिंग, लेजिंग या ईटिंग, करेक्ट आंसर है साइकिलिंग। नंबर 8, विच कैन यू स्पेंड, आप क्या खर्च कर सकते हो, ए रूल्स, बी मनी, सी लक, करेक्ट आंसर हो जाता है मनी, मनी खर्च कर सकते हैं। नंबर 9, विच डू यू पुट इन द बेबीज बॉटल, बेबी के बॉटल में क्या पुट कर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, सैंड, एयर या मिल्क, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 to 15 के लिए हम पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 to 15 के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, चलिए इंस्ट्रक्शन पहले हम रीड करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, ये एग्जांपल दिया गया है, इमेज के द्वारा हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में ये इमेज दिया गया है, तो दे प्लेइंग फुटबॉल, ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या है, दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल, दे लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल या दे लाइकिंग प्लेइंग फुटबॉल, तो करेक्ट आंसर हो जाता है दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। They are dash happy family. They are a happy family. They are an happy family. Yes, they are the happy family. They are a happy family. Yeah, they are the happy family. हम दोनों यहाँ पर लिख सकते हैं. तो they are a happy family. Next question number 12. That is dash dog. That is he dog. That is him dog. Yeah, that is his dog. मतलब कि इसपे क्या भर आएगा? तो that is his dog. यह उसका कुत्ता है. Next, dash is a nice photo. This is a nice photo. This is a nice photo. Yeah, those is a nice photo. Correct answer यहाँ हो जाएगा. This is a nice photo. Question number 14. He does computer games every day. He plays computer games every day. He plays computer games every day. Yeah, he playing computer games every day. He plays games every day. Direct answer है option B. He plays computer games every day. Question number 15. A female fox is called a fox. B. Foxen. C. Vaxen. Correct answer हो जाता है option C. Vaxen. A female fox is called a vaxen. Next question number 16 to 17 के लिए पहले हम इनके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए इसके इंस्ट्रक्शन पहले हम पढ़ते हैं. द क्वेश्चन फॉर 16 टू 17, चूज द मीनिंगफुल वर्ड. यानी वर्ड के स्पेलिंग को आगे पीछे करके लिखा गया है जंबल्स रूप में. इसके सही स्पेलिंग हम बनाएंगे. ए कजन, कजन, कजन. इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही है कजन की? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट इसी प्रकार टेम्पल, ए बी एंड सी. इसमें से कौन सी स्पेलिंग टेम्पल की सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल. टेम्पल मीन्स मंदिर. चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 टू 20, इसमें एक पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है. इसके हिसाब से क्वेश्चंस पुट किए गए हैं. क्वेश्चंस 18 टू 20, लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर. ये मिस्टर स्मिथ है, जॉन, कैलेडा एंड सैली. देयर आर फाइव पीपल इन द पिक्चर्स. यहाँ पे क्या हो गया? फाइव को बोला किया गया. इसी प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसके हमें आंसर देने. John is कर्ले. John is behind कर्ले, between कर्ले, around कर्ले. तो John कहाँ है? यहाँ पे है. और कर्ले कहाँ है? तो John जो है कर्ले के पीछे बैठा हुआ है, means behind. तो correct answer क्या हो गया? Option A, John is behind कर्ले. Next question number 18 हो चुका है. 19. Sally is the notebook. अब इमेज हम देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है. सैली इज अ नोटबुक. नोटबुक में क्या कर रही है? राइट या राइटिंग. तो सैली इज राइटिंग इन द नोटबुक. वह कुछ लिख रही है. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन सी, सैली इज राइटिंग इन द नोटबुक. नेक्स्ट कैलरी इज स्माइलिंग, वरीड या लाफिंग. कैलरी क्या कर रही है? स्माइल कर रही है, लाफिंग कर रही है, वरीड. इमेज से हमें क्या दिख रहा है? कैलरी इज वरीड, यानी वह चिंतित है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं. 20, 21. मिस्टर स्मिथ इज लुकिंग.
अब मिस्टर स्मिथ को हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। मिस्टर स्मिथ का इमेज में पहले हम देखते हैं, मिस्टर स्मिथ इज लुकिंग, मिस्टर स्मिथ इज लुकिंग सैली। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, मिस्टर स्मिथ इज लुकिंग एट सैली, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाय गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा पूरा देखिए। इसी प्रकार के और डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम के सैम्पल पेपर मैं लेकर आपके साथ आते रहूँगी। चलिए इस वीडियो को पॉज न करके पूरा पूरा देखिए, आगे हम पूरे 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं, ये पैराग्राफ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 22-25, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। ये पैसेज है, इसको फिलअप करना है और फिर इसके आंसर देना है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स, पैसेज का नाम है बूढ़े किसान और उनके बेटे। एक ओल्ड फार्मर वर्क हार्ड ऑल हिज लाइफ, एक बूढ़ा किसान अपनी पूरी जिंदगी बहुत कड़ी मेहनत करता है। ही बिकम बिग विथ एज, एज के साथ वह कमजोर हो जाता है। ही वॉन्टेड हिज थ्री सन्स टू लिव टूगेदर हैप्पली एंड आफ्टर हिज डेथ, वह चाहता है कि उनके तीनों सन जो है उसके मरने के बाद एक साथ प्यार से खुशी से रहे। बट हिज सन वेयर नॉट इन गुड टर्म्स विथ वन अनदर, लेकिन उनके बेटों के बीच एक दूसरे के साथ टर्म्स रिलेशन अच्छे नहीं थे। दे हैड ऑलवेज बिन फाइटिंग, वह हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। सो द ओल्ड फार्मर थॉट डैट देयर आर एनिमीज मे डिस्ट्रॉय देम, इसीलिए बूढ़ा किसान सोचता था कि कोई भी शत्रु उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर देंगे। By taking advantage to their bad relation, इनके खराब रिलेशन का फ़ायदा लेकर उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। He was very worried about their future, बूढ़ा किसान उनके भविष्य के बारे में हमेशा बहुत चिंतित रहता था। The farmer wanted to teach them lesson of unity by giving an example, किसान यूनिटी एकता के लेशन को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था कि एग्जाम्पल के द्वारा। ही कॉल्ड ऑल हिज सन, उसने अपने सभी बेटों से कहा। ही गेव अ सिंगल स्टिक टू ईच ऑफ हिज सन एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, उन्होंने अपने सभी सनों को एक एक स्टिक छड़ी दी और कहा इसे तोड़ दो। दे ब्रॉक इट इजली, उन्होंने उसे आराम से तोड़ दिया। Then the farmer gave him the bundle of stick and asked them to break it. उसके बाद किसान ने उन्हें स्टिक का एक बंडल दिया और उसे तोड़ने के लिए कहा। One by one each of son tried to break and bundle but they could not. सभी बेटों ने उनके एक के बाद एक कोशिश की उस बंडल को तोड़ने की, लेकिन कोई भी तोड़ नहीं पाया। Even his eldest son who was the strongest of all brothers failed to break it. यानी कोई भी बड़ा सन जो है, कोई भी संग इसे बेटे तोड़ नहीं पाया और उसमें फेल हो गए। देन द ओल्ड मैन सेड, इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, माई सन, मेरे बच्चों, यू हैव सीन डैट द सिंगल स्टिक कैन बी ईजली ब्रोकन बट नॉट अ बंडल ऑफ स्टिक। सिमिलरली इफ ऑल यू लिव टूगेदर योर इनिमीज विल नेवर टू एबल टू हार्म यू। बूढ़े किसान ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुमने देखा सिंगल स्टिक को ईजली आपने तोड़ लिया लेकिन बंडल स्टिक नहीं टूटे। इसी प्रकार यदि तुम सभी एक साथ रहते हो तो कोई भी शत्रु तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। द थ्री सन्स ऑफ ओल्ड फार्मर प्रॉमिस टू स्टे टुगेदर इन फ्यूचर, तीनों बेटों ने अपने पापा से वादा किया कि वो भविष्य में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। चलिए अब ये पैसेज पढ़ने के बाद एग्जाम्पल्स पढ़ना है। जैसे द पैसेज ऑफ अबाउट, इसके बारे में पैसेज है, टीचिंग एंड सन्स अबाउट ऑनेस्टी, द ओल्ड फार्मर या द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। तो ये हमारा पैसेज है द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स। इसी प्रकार इस पैसेज से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द ओल्ड फार्मर वाज बरिड अबाउट, किसके लिए बरिड था, बंडल ऑफ स्टिक, द फ्यूचर ऑफ हिज सन या हिज लेसन। द फ्यूचर ऑफ हिज सन, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित था। क्वेश्चन नंबर 23, What lesson did the old farmer want to teach the son? Old farmer अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता था? The old farmer wanted to his son understand the importance of unity.
लर्न हाउ टू ब्रेक द बंडल ऑफ हिस्ट्री या नो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता के महत्व को वो समझाना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द ओल्ड फार्मर टॉट हिज सन द लेसन बाय, ओल्ड फार्मर अपने बच्चों को लेसन किसके द्वारा सिखाता, यूजिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, टेलिंग अ स्टोरी, आस्किंग हिज सन टू ब्रिंग स्टिक. तो यूजिंग अ बंडल ऑफ स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक के द्वारा ओल्ड फार्मर अपने बच्चों को सिखाता है. नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ट्रू, इसमें से कौन सा सेंटेंसेज सही है. द ओल्ड फार्मर वॉज हेल एंड हेल्थी, बी द एल्डेस्ट ब्रदर ब्रॉक द बंडल ऑफ स्टिक इजली, या सी द सन वर नॉट अ गुड टर्म्स विथ ईच अदर. इसमें स्टोरी में कौन से सेंटेंसेस सही है. तो सेंटेंसेस सी, द ही सन्स वर नॉट ए गुड टर्म्स विथ ईच अदर, उनके बच्चों के टर्म्स एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. ट्वेंटी सिक्स सेक्शन जो है हमारा स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन से आता है. फॉर क्वेश्चन 26-30, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन जैसे हम आपस में दिनचर्या में जो बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्सेशन से स्पोकन एंड रिटन एग्जाम्पल रहते हैं. मोहन, कैन आई विथ यू, यस यस लेट्स प्ले. यहाँ पे क्या हो गया, मोहन कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ. नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉन व्हेन यू क्लास स्टार्ट, जे एट 3 AM, तो व्हेन इज योर क्लास स्टार्ट, तुम्हारा क्लास कब स्टार्ट होता है. सॉन व्हेन इज योर क्लास स्टार्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया व्हेन इज योर क्लास स्टार्ट. यहाँ पे क्या हो गया, when does your class start, तुम्हारा क्लास कब स्टार्ट होता है. तो आंसर हो गया 9 AM. क्वेश्चन नंबर 27. जेस, which one do you like, new dash old forms of art, इनमें से तुम कौन सा लाइक करते हो. न्यू, आई प्रेफर ओल्ड वंस, मैं ओल्ड को प्रेफर्स करता हूँ. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया और, न्यू और ओल्ड. नंबर 28. सामया, डू यू वांट डैश टी. जीना, यस प्लीज. डू यू वांट सम टी, यहाँ पे क्या हो गया, मेनी टी, सम टी, इनफ टी. करेक्ट आंसर है सम टी. डू यू वांट सम टी, क्या तुम पी लोगे. नंबर 29. मोहित, डैश बी प्ले फुटबॉल टुमारो. कोमल, श्योर व्हाई नॉट. ए डैश बी आर सी कैन. करेक्ट आंसर है कैन. कैन बी प्ले फुटबॉल टुमारो, क्या हम कल खेल सकते हैं. कोमल, श्योर व्हाई नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. माया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू द पार्टी. जया, डैट्स इज नॉट ओके. बी, यू आर ऑलवेज वेलकम. सी, बी गॉट लेट. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग द पार्टी. माया ने थैंक्स किया, तो जया, यू आर ऑलवेज वेलकम. करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू आर ऑलवेज वेलकम. क्वेश्चन नंबर 31. 31 में आपका अचीवर सेक्शन हो जाता है, जिससे कि कुछ ट्रिकी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से. फॉर एग्जांपल 31-32, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स. वी होम आफ्टर वी एट लंच. वी गो होम. वी वेंट होम. वी आर गोइंग होम. वी वेंट होम आफ्टर वी एट लंच. जब हम घर गए थे तो हमने लंच खा लिया था.
नंबर 32। माई ओल्ड टीचर वॉज स्किल्ड बट माई न्यू टीचर इज गुड बेटर बेस्ट। मेरे पुराने टीचर बहुत स्किल्ड थे बट माई न्यू टीचर इज बेटर। नंबर 33। चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट डू यू पुट इन अ फाइल? ए पेपर, बी केस, सी नंबर। हम फाइल में क्या रखते हैं? तो ए पेपर। नंबर 34। चूज द मीनिंगफुल वर्ड। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन। नंबर 35। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द कन्वर्सेशन। रितु, व्हेन विल यू बी बैक? शरीता, शरीता, इन 10 o'clock, बी बाय o'clock, सी ओके आई विल। व्हेन विल, तुम कब वापस लौटोगे? तो ओके इन, व्हेन विल यू बी बैक? शरीता, शरीता कब वापस आएगी? व्हेन विल यू बैक? शरीता तुम कब वापस आओगे? ठीक है, तो इस तरह के अचीवर सेक्शंस में आपको हायर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को पूरा पूरा देखें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और जो भी आपको प्रॉब्लम है या जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य पूछें। थैंक यू।